ਲੋ ਸਹੀ ਚੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਓ ਮਿਲਣਾ ਮੁੰਡੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਰੇ ਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਪਾਜੀ 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 ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮੇਰੀ Hello everybody, new day, new vlog. Ha ha ha. Welcome back to the vlogs. After so long. Yeah, that's right. Why, both minutes? 6 months pregnant. Huh? 6 months? 7 months. Nah, nah, this is 25 years of eating. look test done. That was a look test for my upcoming this thing episodes. I don't think so I'll be able to post it before the episode anyway, but I'll still try my best. Hi DJ. Hi, how are you? First of all, congratulations on becoming a director. Thank you, thanks a lot. किसी ने मुझे wish किया. ये हमारे show में director बने हैं, so हम लोग तो वैसे ही बड़े खुश हैं, क्योंकि अब डांट नहीं पड़ती हमको. अब हम इनके सर पे चढ़ के नाचते हैं. हाय, ये हमारी छोटी सी कोस्टा जो बहुत तंग करती है मुझे. पप्पू को बिल्कुल तंग नहीं करती. पप्पू पप्पू कुछ बोलना चाहते हो मिस्टी के बारे में? मिस्टी के बारे में कुछ नहीं बोल. ये देखो मैं कुछ दिखाती हूँ. मंकी मेरे हाथ नहीं, मेरे हाथ से कुछ तो ले रहा है. देखा, वाओ वाओ, ऐसे ही चलता रहता अपना से. पप्पू के पिछवाड़े पे धक्का मारते हैं, वीडियो वायरल. वैसे पप्पू काफी अच्छे लग रहे हो टेम्पो में बैठे हुए. ओवर डेडिकेटेड कैमरामैन. ये हमारे बाइक सीक्वेंस के लिए. यो ब्रो, भाई ये सीक्वेंस बोलो इनको देखने के लिए. इतना प्यारा सीक्वेंस है. हमारे भैया गोविंदा बने हुए हैं और वो वहाँ पे छया छया कर रहा है. लेकिन बहुत मेहनत चल रही है. सीरियसली प्लीज आप देखिए माली रानी से टीवी पे. प्लीज डू वॉच. कौन सा सीक्वेंस कर रहे हैं वैसे कुछ बताओ यार. हम लोग बाइक चेस कर रहे हैं. आप सोच लो कौन चेस कर रहा है हमें. ये इतना नहीं बताऊंगा, लेकिन कोई ना कोई हमें चेस कर रहा है. और बहुत आप जानते हो इस इंसान को जो हमें चेस कर रहा है. डिटेक्टिव खेलना जा रहा है यहाँ पे. बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. और हम ज्वेलरी शॉप से अभी कुछ निकले हैं, तो क्या हम चोरी करके निकले? नहीं, हम चोरी करके किसी के लिए गिफ्ट लेने गए थे. हम गिफ्ट ज्वेलरी शॉप से क्या लेंगे? और मैं और ये सोचिए आप, आगे आपके ऊपर है. खड़े होकर घूम के दिखाओ. एक सेकंड. मैंने इसलिए नहीं चालू किया ये, मैंने इसलिए चालू किया था मुझे पूछना था. चलो लास्ट ब्लॉग तो आशीष का तलाक नहीं हुआ जस्ट बाय द वे, तो उसमें आशीष का ब्रेकअप नहीं हुआ, बच गए हो. ठीक है, लेकिन मीता कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी. वैसे ये रियल लाइफ में बहुत अच्छी फ्रेंड है. मैंने तो ब्लॉग कर रखा है. ओह नो, सी आई एम नॉट ब्लॉग मीता, नॉट एट ऑल. लाइक सो क्या पूछ रही है? लाइक आई डोंट नो व्हाट शी इज आस्किंग, व्हाट शी इज सेइंग. आई हैव नो आईडिया अबाउट इट. यू से समथिंग. मैं पूरा ब्लॉग भेज सकता हूं. आई डोंट नो मिष्टी ना. सॉरी, आई डोंट नो मिष्टी. यू डोंट नो मिष्टी. ओ जी सत श्रीकाल. ते मैं परमिंदर सिंह पिदू जी. मैं सत श्रीकाल जी. एनु एक कुड़ी नु मैं सत श्रीकाल कहना सिखाता. सत श्रीकाल जी. सत श्रीकाल जी. श्री श्री अकाल अकाल. मैं कह रहा सी ए जड़ी मुच्छा ने मेरिया किनी कमाल मुच्छा ने जच रही है ना. किनी जच रही है? ओई ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ. ਸਮਾਰਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ. ਚੱਲ
नेचुरल एकदम भड़की नहीं, भड़की नहीं हो, भड़की नहीं, पहली लड़की जो मूछों पे भड़की नहीं है, अच्छी लगती है हर चीज में। मैं आपसे बातें बात करता हूँ। So this week's Jitainism is about easy and difficult. Now, let me explain. I come up with the most funny terms ever. It's all about knowing what's easy and what's difficult, but what is beneficial for you is probably going to be difficult. It's easier to set a goal, but it's difficult to stay focused. It's easier to quit, but it's difficult to keep going. Now, I'm not asking you to do everything that is difficult in life. Okay, sometimes easier route is the actual route. What I'm asking you to do is to avoid, not anyone, but avoid anything that is coming in between you and your target. Like that one thing for today, avoid it. See, it's very easy to get carried away because every once in a while we'll feel like, oh yeah, I've done enough. Now I need a break. I need to chill for some time. I'll be completely honest with you guys. I've learned this years back, but I'm actually implementing it now. I thought this is the right time for me to say, because you guys are actually seeing what I'm doing right now and you can see the results also. My daily routine basically is I get up by 7 in the morning, leave my house by 8, reach the set by 9, stay there till 9, 9:30. Then from there, I leave around 9:45 or something. I go to the gym. I work out till 12 or sometimes 12:30. Then I come home. I have my dinner. So whenever I'm sleeping, it's somewhere close to 2:15 or something. 5 hours of sleep is a dream right now. And I know it's not healthy for me. Sleep is not something that your body needs. Your body needs rest. And I make sure that I get enough rest throughout the day. So whenever I'm not working, like whenever in between I have some time, I'll rest. I'll not loiter around. I'll not do stuff that is not necessary at the moment. I'll avoid everything and I'll take rest. I'll give my body that rest. Because I know I'm gymming a lot. I know I'm taking a good diet. So why should I spoil it by something that is not necessary at the moment? Even I feel like going out with my friends, skipping a day, taking an off. I'm doing a daily soap. The last day off we got was around 26 days back. In the past 26 days, I didn't get a single day off. So I want you guys to avoid something that is easy. You'll get enough time to do something that is easy, but you'll not get enough time to do something that is difficult. Because whatever is difficult will require more time. And what gives you success is the difficult thing. And everything is interrelated. Like I said in my last vlog, follow your dreams, do what you love. Because then your difficult thing will not seem that difficult. It's fine, I'm not getting a day off. I'll get a day off eventually. I'll get a day off on Diwali. Do difficult things, but do them easy. Avoid easy things, make them difficult. I know it's confusing, but it's okay. It's me and I'm always confusing. Okay. And that is it for this week's vlog. I hope you guys enjoyed it. If you guys did enjoy, hit the like button, subscribe if you haven't already, turn on the notification so you're notified whenever I upload any vlog, short film or anything else. And in the end, be yourself, be unique. Until next time. Bye-bye. Superman. Man,